सतगड़िया व अंधरी मोड़ के जंगल में तस्करों ने कटवाए दर्जन भर वखैर के पेड़। सोनभद्र के रेणुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर वन रेंज के सतगड़िया व अंधरी मोड़ के जंगल में लगे रोड होली से पहले एक दर्जन खैर के परिपक्व पेड़ काट दिए गए। खैर के 35 सेमी से 40 सेमी व्यास के पेड़ जंगलों में काटे जाने से पर्यावरण कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। वहीं तस्करों द्वारा लगातार बेसकीमती पेड़ों का कटान होने से जहां जंगल खत्म होते जा रहे हैं, वहीं जंगली जानवरों की आवाजाही रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। हाल फिलहाल के दिनों में तेंदुए, हिरण, बाघ व जंगली हाथियों का झुंड रिहायशी इलाकों में आने से लोगों में दहशत व्याप्त है। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला सोनभद्र का ज्यादातर भूभाग पेड़ पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। इन जंगलों में बेशकीमती लकड़ियों के पेड़ मौजूद हैं, जिससे तस्करों की निगाह भी इन जगहों पर बनी है। वहीं मिर्जापुर सोनभद्र जिले के बंटवारे के बाद से लाखों हेक्टेयर वन भूमि गायब है। माना जाता है कि अवैध कटान की वजह से खाली हुए जंगलों पर अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर भवन निर्माण करा लिया है, जिसका जीता जागता उदाहरण उमाकांत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित की गई प्रमुख सचिव रेणुका कुमार के नेतृत्व में बनी टीम ने किया था। वहीं वन विभाग के रिपोर्ट के अनुसार सोनभद्र के जंगलों में बड़े जानवरों की कोई मौजूदगी नहीं है, जबकि हाल फिलहाल के दिनों में तीन तीन लोगों की मौत एक महीने के अंदर हुई, जब कोई बबुनी से सटे जंगलों में हाथियों के बड़े झुंड के हमले की वजह से गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए थे। पर्यावरण कार्यकर्ता प्रभु नारायण सिंह व जगत नारायण विश्वकर्मा ने कहा कि यह सब जंगल के दुश्मन बने वन कर्मियों व म्योरपुर रेंजर की मिलीभगत से काटे गए हैं, क्योंकि इतने भारी पैमाने पर कटान बिना इनके मिलीभगत संभव नहीं है। जंगल में तस्करों के द्वारा करवाए जा रहे लगातार अवैध कटान से उनमें रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि रेणुकूट वन प्रभाग का खैर अब लाल चंदन बन चुका है, जिसे वीरप्पन बने तस्करों की नजर इस पर बराबर बनी हुई है और वे लगातार इसकी कटान करवा रहे हैं। बाद में मिलीभगत कर जलोनी व अन्य छूट प्रजाति के पेड़ों की निकासी परमिट के आड़ में महानगरों व पंजाब भेज रहे हैं। उधर रक्षक बना वन विभाग कटान की दूसरी तरफ गश्त कर लकीर पीट रहा है और जंगलों के प्रति झूठी सजगता दिखा रहा है। जब मामले का खुलासा होता है तो मामले में तस्करों व संलिप्त वन कर्मियों पर कार्रवाई न कर नए ठूठों पर कालिक पुतवाने और जेसीबी से नष्ट करवाने में जुट जाता है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने सतगड़िया व अंधरी मोड़ के लबे रोड कड़े खैर की एक दर्जन पेड़ों की कीमत 20 लाख रुपए आनते हुए इसकी भरपाई जिम्मेदारों से करवाए जाने की मांग की है। कहा कि अगर इसकी भरपाई नहीं की गई तो वे पीसीसीएफ को पत्र लिखेंगे। इस मामले में डीएफओ स्वतंत्र श्रीवास्तव ने कहा कि अभी मैं देख करके बताता हूँ। म्योरपुर रेंज स्थित गोविंदपुर, कुशमाहा और मनवसा के जंगल में जिस तरह के कत्था के पेड़ों की कटान हुई है वो बहुत चिंता का विषय है। इधर वन विभाग लगातार कह रहा है कि मेरा पेड़ कटा ही नहीं है, मौके पर ठूठ हैं और कुछ वोटे पड़े हैं, वो चीख चीख के कह रहे हैं कि यहाँ पेड़ कटे गए हैं और तस्कर सक्रिय हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कठौदी के बीट में जो है वोटा रखा हुआ था, उसको वन विभाग उठा के ले गया और जिसके खेत में रखा उस पर कार्रवाई की। लेकिन मैं तस्कर तो वन विभाग भी जान रहा है कि तस्कर कौन है और कौन कटवाया है, इसके बावजूद भी वन विभाग कोई कार्रवाई उन पर नहीं किया। तो एक सवाल है कि आखिर तस्करों को इस तरह छूट क्यों दी जा रही है। दूसरी बात कि मैं मांग कर रहा हूँ कि SIT का गठन हो और मौके पर स्थलीय जाँच हो और जो इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, चाहे वो वन विभाग के लोग हों, तस्कर हों, सबको चिन्हित किया जाए और पर्यावरण को देखते हुए वनों को सुरक्षित रखना है तो कटान पर तत्काल रोक लगाई गई। मैं प्रभु सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन और पर्यावरण का प्रवक्ता हूँ। मुझे इस वन के कटान पर कहना यह है कि यह बेहतरीन जंगल है हमारे सोनभद्र का रेणुकूट वन प्रभाग। यहाँ पर कटान जोरों पर है, कटान के बाद जमीन का कब्जा जोरों पर है और इसके चलते यहाँ पर वन प्राणी जिसमें तेंदुआ विगत दिनों शिकारियों के जाल में फंस के मरे, भालू रेल से कट के मरा, हाथी जंगल छोड़कर देहात में आ रहे हैं, यहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं, या यहाँ पर घोर पर्यावरण की उपेक्षा हो रही है। वन विभाग की उदासीनता के चलते यह बेहतरीन जंगल संकट में है, कीमती लकड़ियाँ बेची जा रही हैं, जमीन पर कब्जा हो रहा है, यह एक चिंतनीय बात है। क्या चाहेंगे आप? हम चाहेंगे कि इस पर सरकार ध्यान दे, वन विभाग को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, वन विभाग इस पर उदासीनता बरत रहा है, इसको भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए। जंगल का संरक्षण और वन प्राणियों का भी संरक्षण होना चाहिए। धन्यवाद।
वहीं रेणुकूट वन प्रभाग के डीएफओ स्वतंत्र श्रीवास्तव ने बताया कि आप लोग के माध्यम से आज ही मुझे इस विषय की जानकारी हुई है। मैं भी जिले में नया नया हूँ, मैं मौके पर जांच के लिए जा रहा हूँ। जांच में जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे उसके बाद दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के साथ ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। जबलपुर रेंज में एक मामला प्रकाश में आ रहा है, अवैध कटाई पेड़ों की हो रही है, क्या मामला है सर? जिस खबर को लेकर अभी आप आए हैं मेरे कार्यालय में, इसकी सूचना मुझे अभी करीब 2 घंटे पहले ही मिल चुकी है और ये कुछ पुराना प्रकरण लग रहा है जिसकी जांच मैं स्वयं करने जा रहा हूँ। इसकी विधिवत जांच कराई जाएगी और जो भी लोग दोषी होंगे, चाहे वो जंगल के पास रहने वाले, वनों को क्षति पहुँचाने वाले लोग हों या वन कर्मी हों, तो उनके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जाएगी।